लास्ट वीडियो में चंडीगढ़ गया था, पर जो आने वाला ब्लॉग है वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा उसको। बिकॉज यार ऐसा कुछ खास नहीं था। मैं सोचता हूँ कि कुछ खास जो कुछ इंपॉर्टेंट हो, जो इन्फॉर्मेशन देता हो, कुछ चीज़ वो चीज़ आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर है। तो फिलहाल आज का जो हमारा प्लान है, मैं उस जगह जाने वाला हूँ यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला को शूट किया था, डेथ हुई थी उनकी, थोड़ा मतलब आज मैं उधर से ही आ रहा हूँ। अपनी जी को लेके गया था, दवाई लेने गए थे हम लोग, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। तो वहाँ मैंने देखा ना वो पोस्टर लगा रहे थे काफ़ी सारे, मतलब तो सोचा यार ऐतिहासिक चीज़ बन गई है, एक सोचा वीडियो बनाना तो बनता है एक बार। ज़रूरी नहीं है कि हम एक खुशी वाला जो वैसे ही ब्लॉग या कुछ भी मान लो आप एक वीडियो जो हमारे यूट्यूब में बना रहे और आप सबको इस चीज़ की जानकारी भी मिल जाए। सो गाइस हम लोग चलेंगे वहाँ पे जवार के पिंड में चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे जो नई चीज़ जो उन्होंने वहाँ पे बनाई है ना, तैयार की है, वो चीज़ दिखाऊंगा आपको। पहले काफ़ी सारी वीडियो पहले भी आई होंगी यार, हम भी एक डाल रहे हैं वीडियो है ना, तो हमारी वीडियो ज़रूर देखना आप एक बार, पूरी वीडियो देखना, उसके बाद अच्छी लगी तो बताना, नहीं अच्छी लगी तो भी बताना। वीडियो के साथ यार बने रहना है, वीडियो लोगों ने पहले भी बनाई है, वीडियो हम भी बना रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लास्ट पे लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो और कैसे हमने एक्सप्लोर किया चीज़ को, कैसे हमने दिखाया, किस वे में। चलो बिना टाइम वेस्ट के फिलहाल निकलते हैं, छोटा है हमारा एक छोटा भाई है, उसको लेना है हम साथ में, फिर दोनों चलेंगे हम लोग साथ में। सो लेट्स गो गाइस। जैसे कि मैंने बोला था यार, हम बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कोई टाइम गवाए हम लोग पहुंच गए हैं पिंड में, द्वारका पिंड में। यहाँ से एक टर्न और वही जगह जहाँ पे शूट आउट हुआ था। जस्ट एक मिनट वेट, बस आपने वीडियोस देखी होगी बहुत सारी। देखो यार जैसे कि ये वाली वीडियो, वीडियो में ये वाली जगह आती है जहाँ से गाड़ी टर्न होती है। तो फिलहाल मैं वीडियो रोकता हूँ बिकॉज यहाँ पर यार बोल लेना है। फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे शूट आउट हुआ था। यार मैं इसकी बात कर रहा था, ये है वो प्रिंस, साथ में लेके आने वाला था मैं जिसको। तो मैं जैसे फिलहाल ब्लॉग कर रहा हूँ, ऐसे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा वहाँ पे जाके क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहीं से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल गाड़ी खड़ी हुई थी वो ये जगह थी है ना, दिखाता हूँ एक एक चीज़ बैक कैमरे से दिखाऊँगा, ऐसे नहीं बनाऊँगा वीडियो। सबसे पहले ये वो जगह है, यहाँ पे देखो गाड़ी खड़ी हुई थी, ये गोलियों के निशान यहाँ पे भी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः छः हैं यहाँ। ये वाला वो टर्न था यहाँ पे हुआ था, तो पास में चलते हैं, इसके पास में चल के देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो देखो यार ये वो जगह है यहाँ पे शूट हुआ था, ये पिंड जवार के वासी ने लगाए हैं ये पोस्टर, और ये रेड कलर का जो पेपर है ये वाला, और ये सब फोटोज़ बहुत अच्छी लग रही है यार। यार पहले देखते थे कि मतलब जलियाँ वाले बाग में गोलियां चली थी, वहाँ देखो गोली के निशान देखने जाते हैं, गोली के निशान देखने जाते हैं। ये भी एक इतिहास में ना लिखा गया, इतिहास के पन्नों में सिद्धू मूसेवाले का नाम लिखा गया। देखो यार गोली के निशान मतलब लोग देखने आते हैं, दूर दूर से बतेरे लोग आते हैं यार, है ना। ये भी एक इतिहास बन गया है यार, बहुत ही तगड़े यार। इस जगह आके ना मन ऐसा ख़राब सा हो जाता है यार। मैं ना पास से दिखाता हूँ, मतलब एक गोली की, एक बुलेट की कितनी पावर हो सकती है यार। देखो मैं खुद देख के ये चीज़ हैरान हूँ। देखो एक सेकेंड, ये देखो मतलब इतनी तगड़ी होती है यार गोली घर की, आदमी का शरीर क्या छोड़ेगी यार। वो इतना बड़ा दीवार में इतना बड़ा छेद होल कर दिया तो वो आदमी को क्या छोड़ेगी यार, बहुत ही खतरनाक था। यही वो देखो सड़क है, इधर से गाड़ियाँ आ रही थी, आपने सारी वीडियो में देखा होगा, काफ़ी सारे आते जाते लोग यहाँ रुकते हैं, इसीलिए हम भी रुक गए। हमारा तो अंदर से ही मन है यार कि हमें रुकना था बस यहाँ पर। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो वो साइकिल वाली दुकान ना जो पीछे रह गई, ये वाली दुकान, यहाँ पे बंदा खड़ के वीडियो बना रहा था, इस तरफ बहुत सारी गोलियाँ उन्होंने चलाई थी। ये देखो यार ये वाला जो गोलियाँ चलाई थी ना साइकिल वाले पे, ये देखो ये सीधी होल दीवार पे लग गया, गेट पे लग गया आके, बीच में से निकल गई, ये वाली गोलियाँ उस पर चलाई थी।
ये देखो सड़क यार, बहुत मन खराब होता है यार। इतनी वीडियोस में देखी है ना ये वाली सड़क। ये था वो साइकिल वाला, अंदर नहीं दिखाऊंगा यार, बुरा लगता है ऐसा, है ना। तो इसके पास वीडियो था 10-12 सेकंड का, पर वो वीडियो पुलिस वालों ने या मान लो सरकार ने वो वीडियो वायरल नहीं होने दिया। पंजाबी में लिखा है दानी सज्जन बेनती, इतने किसी भी व्यक्ति को दान ना दिता जाए। जो कोई दानी सज्जन दान देना चाहता तो गुरु कर दे, मतलब दान ना दे कोई किसी बंदे को। यहाँ पे देखो यार कितने लोग आ जा रहे हैं। भाई देखो माफ करना, किसी को ऐसा लगा कि मैंने गलत वीडियो बनाया या नहीं बनाना चाहिए था या क्यों बनाया ऐसा वैसा कुछ भी, है ना। अगर ऐसा है तो सॉरी भाई, माफ करना, ठीक है। पर वीडियो मेरे को सही लगा तो इसीलिए मैंने बना दिया। अगर ऐसी कोई बात होगी ना, कोई बात नहीं, ये चीज़ें देखने वाली हैं, देख लो यार गोलियों के निशान, इसीलिए मैंने बनाई है वीडियो, है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो सब बता सकते हैं कमेंट में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं यार। ये मेरी मामी जी का घर है, मामा जी का। वो ना चाबी भूल के आ गए थे, इसीलिए हम लोग दूसरे घर से कूद के इधर आए हैं। फिलहाल जहाँ से संभाल लेंगे और फिर हम लोग चलेंगे उधर घर पे ही वापस। वीडियो आज के लिए इतने काफी। जैसा भी आपको ठीक लगे यार वैसा करो, लाइक करना है करो, नहीं करना ना करो, कमेंट करना है करना, जैसे आपको ठीक लगे ना वैसा करो। अपने को इससे कुछ भी नहीं चाहिए वीडियो में से, कि हमें व्यूज़ चाहिए या कुछ, हमें फेम वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए यार। जैसा आपको ठीक लगे ना वैसा करो। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं नीचे। प्लान मेरा और है, कल का जो मैं आपको एक प्लान बताने वाला हूँ, कल का जो हमारा प्लान है वो सुबह उठ के, सुबह 6 या 7 बजे उठ के सिद्धू मूसे वाले के घर पे जाऊँगा। कल ये मैं वीडियो बनाना है, क्योंकि उसके बाद ना मेरे को बहुत दूर जाना है यार, तो मैं नहीं आ पाऊँगा वापस, वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सो वीडियो यहीं एंड करते हैं। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू सिद्धू मूसे वाला।